रुद्रमाला के मन के 4.5 लाख। हाँ, तो उसका जन्म 4.5 लाख रुद्रमाला के मन के नहीं, रुद्रमाला के मणके असली होंगे उसमें 2.25 लाख ही, 2.25 लाख वहाँ आएंगे विजय माला से, चंद्रवंश से भी आएंगे ना, राधा जैसी आत्माएं वो होंगी चंद्रवंशी और कृष्ण जैसी आत्माएं होंगी सूर्यवंशी, दोनों का मेल होगा तब कही जाएगी रुद्रमाला। तो ये 4 लाख जब होगा, 4 लाख होगा, तो बाकी वो प्रवेश होने वाली आत्मा है जो अभी शरीर छोड़ती जा रही है, सत्ययुग में 9 लाख होगा ना, सत्ययुग में 9 लाख होंगे, सत्ययुग के पहले जन्म के अंत में 9 लाख होंगे, सत्ययुग का जो पहला जन्म होगा उसके अंत में लास्ट में 9 लाख होंगे। एक साथ कैसे हो जाएंगे, सबका एक जैसा पुरुषार्थ है, जो 4.5 लाख हैं वो सब एक ही धर्म के बीज हैं या अलग अलग धर्मों के बीज हैं, है? अलग अलग धर्मों के बीज है ना, कोई तो फर्स्ट क्लास आज सनातन देवी देवता धर्म के पक्के हैं, जिनको आज कहा कि पक्के पक्के ब्राह्मण हैं, तो वो तो 9वां ही हिस्सा होंगे ना, तो जो फर्स्ट क्लास होंगे वो परम नाम से जब उतरेंगी आत्माएं तो तुरंत का तुरंत जन्म लेंगी, उसके बाद जो सेकेंडरी होंगे चंद्रवंशी आत्माएं वो बाद में उतरेंगी पहले जन्म में, फिर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें सच ये नंबर बार उतरती जा देंगी, बीज रूप आत्माएं की बात है, 4.5 लाख आत्माएं सब इकट्ठी नहीं उतरेंगी क्या, 1 लाख इकट्ठी उतरेंगी, 1 लाख में 50,000 होंगे शुद्ध रुद्रमाला बीज जो अभी ज्ञान ले रहे हैं एडवांस में, उन्हें 50,000 ऐसे हैं जो एडवांस में अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, 50,000 ऐसे हैं जो अभी चंद्रवंश में पड़े हैं ब्रह्म कुमारियों में, वो अभी निकले नहीं है, रानी मक्खी निकलेगी तो पीछे पीछे वो भी निकलेंगे, तो 1 लाख हो जाएंगे, इसलिए रुद्र की रचते हैं तो कितने साल के हम मनाते हैं, 1 लाख सालग्राम जरूर बनाते हैं रुद्र यज्ञ में, वही श्रेष्ठ आत्मा है, वो पहले पहले षष्ठी पर आवेंगी और राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देंगे, फिर उसी जन्म में और दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं उतरती रहेंगी, 150 वर्ष में जो भी 4.5 लाख बीज और जो भी 4.5 लाख जन्म लेने वाले राधा कृष्ण जैसे बच्चे हैं वो सृष्टि पर 16 कला संपूर्ण आत्माएं सब उतर आ गई, फिर बाद में दूसरे जन्म में जो उतरेंगे वो पूरे 84 जन्म लेने वाले नहीं होंगे, उनका एक जन्म कम हो जाएगा। कंस और कृष्ण, हाँ राखी तो एक ही है, कंस और कृष्ण की राशि एक ही है, जैसे राम और रावण की राशि एक ही है, लेकिन कंस है अत्याचारी और कृष्ण है शिष्टाचारी, कंस
कन्याओं की हत्या करता है क्या? और कृष्ण कन्याओं को सुरक्षा देता है। तो एक है असुर और दूसरा है सुर देवता, ये दोनों संगम पर होते हैं। अभी कंसीजम जरा सिंधी शिशुपाल संप्रदाय भी है और कृष्ण जैसी आत्माएं भी है, शिष्य पुरुषार्थी भी हैं इस सृष्टि पर ब्राह्मणों की दुनिया में, दोनों साथ साथ हैं। सत्युग में जो कृष्ण जन्म लेगा तो वहां कोई भी असुर कंस नहीं होंगे, वहां कंसी जरा सिंधी अपोजिशन करने वाले कृष्ण के नहीं होंगे और यहाँ हैं अपोजिशन करने वाले, तो इसलिए दो पार्टियां हो गई, एक बेसिक और एक एडवांस। राम सेतु बन रहा है ना, ज्ञान का पुल बन रहा है कि नहीं? जो ज्ञान लेने वाली आत्माएं हैं एडवांस में, जो हाँ जो एडवांस में ज्ञान लेने वाली आत्माएं हैं वो यहाँ से वहाँ उस ज्ञान को पहुँचा रही है कि नहीं? जो और धर्म के बीज हैं, दूसरे धर्म के जो बीज हैं, उन्हें ज्ञान के ऊपर एडवांस के ऊपर पक्का निश्चय तो होते नहीं, तो इधर भी आते रहते हैं और उधर भी जाते रहते हैं, यहाँ की बातें सुनते हैं और वहाँ पहुँचा देते हैं। तो ये जो राम सेतु बन रहा है उसमें सारा ज्ञान एडवांस का बेसिक में जा रहा है या नहीं जा रहा है? है ना, उनसे नहीं मिलता है। जो अधूरे हैं वो कैसे बताएंगे? मिलेगा तो यहीं से, लेकिन जब यहाँ से मिलेगा तो संपूर्ण बात मिलेगी, समझ में आ जाएगी। जो खुद अधूरे हैं वो समझा नहीं सकते। झगड़ा चल रहा है ना अभी दुनिया में राम सेतु का है, जो बाहर की दुनिया है उसमें ये झगड़ा चल रहा है कि राम सेतु खत्म कर देना चाहिए। दूसरी पार्टी कहती है नहीं, राम सेतु रहना चाहिए। तो हमारी एडवांस पार्टी कौन सी हो गई? राम सेतु रहना चाहिए या खत्म नष्ट कर देना चाहिए? हैं? राम से तो रहना चाहिए। कहते हैं जो राम का पुल बांधा गया था, भक्तिवारण कहते हैं ना, तो दो बंदर थे नल और नील, उन दो बंदरों के हाथ से जो पत्थर तैराए जाते थे तो पानी में ऊपर तैरते थे, डूबते नहीं थे। तो पत्थरों की बात है या पत्थर बुद्धि मनुष्यों की बात है? पत्थर बुद्धि मनुष्यों की बात है। वो पत्थर बुद्धि मनुष्य इस विषय सागर में राम कृष्ण रूपी दो बंदर हैं, इनके बुद्ध रूपी हाथ से तैराए जा रहे हैं। तो विषय सागर में डूबते नहीं है क्या? तैरते रहते हैं। और उन पत्थरों से वो पुल तैयार हो गया है जो एक तरफ से दूसरी तरफ सारा ज्ञान ट्रांसफर करता रहता है। और अभी भी आ रही है, आगे भी आती रहेंगी। एडवांस में वही आत्माएं आएंगी जो 84 जन्म लेने वाली होंगी या कम जन्म लेने वाली आत्माएं आएंगी। अभी जो ऊपर से उतरेंगी उनके कम जन्म होंगे या पूरे 84 जन्म होंगे? उनके भी कम जन्म है, उन्हें हो सकता है एक जन्म ले या दो जन्म ले बस। तो एक दो जन्म लेने वालों को बीज थोड़े ही कहा जाएगा। बीज माने जो आदि से लेकर के अंत तक रहे, 84 जन्म पूरा लेने वाले को बीज कहा जाता है। हाँ।
अभी जो उतर रही हैं ऊपर से वो एडवांस में आएंगी क्या? बिल्कुल नहीं आएंगी। शरीर का जन्म देने वाला एक ही बाप होता है, 84 बाप नहीं होते? 84 बाप होते हैं शरीर को जन्म देने वाले। तो लौकिक बाप एक शरीर जन्म देने वाला, दूसरा अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा को कहता है। माने नहीं, लोक माने लोक, ये दुनिया जो इस दुनिया का नहीं है, सूक्ष्म बतरवासी हो गया। हाँ ये दूसरा। हाँ और तीसरा पार्लर बाप सुप्रीम सोल। माँ ही तो हमारा अलौकिक बाप बन गया, उसको टाइटल मिला ना प्रजापिता ब्रह्मा का। ब्रह्मा को क्या टाइटल मिला? जब यज्ञ के आदि में प्रजापिता चला गया तो उसका टाइटल किसको मिल गया? ब्रह्मा ही माँ हो गई, ब्रह्मा ही बाप हो गया। बेसिक में भक्ति भक्ति चल रही है। ज्ञान तो तब कहेंगे जब बाप का परिचय हो। ज्ञान माना ज्ञानकारी, ज्ञान ज्ञानकारी, जानना। बाप को जाना ही नहीं तो ज्ञान काहे का? जो अपने बाप को जाने वो ज्ञानी, बाप को ही न जाने तो अज्ञानी। वो अपने को ब्रह्मा कुमार कहते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कहते हैं? ब्रह्मा कुमार कहते हैं, यानी बाप उनको मालूम ही नहीं है बाप कौन है। उनसे पूछे तो कहेंगे हम ब्रह्मा कुमार हैं, बड़ी अम्मा के कुमार हैं, ब्रह्मा के बच्चे हैं, अम्मा के बच्चे हैं। अरे अम्मा के बच्चे हो तो अम्मा के साथ कोई बाप भी रहा होगा तब तो पैदा हुए, तो नहीं बताएंगे। तो अज्ञानी है ना कि ज्ञानी है? अज्ञानी है। कौन बेसिक वाले किसको कहते हैं? चंडाल किसको? एडवांस वाले किस आधार पर कहते हैं चंडाल? हैं हम कहाँ बेसिक छोड़ते हैं? हम तो बेसिक की पढ़ाई पढ़ाते हैं। हमने तो ना बेसिक छोड़ा है और ना एडवांस को छोड़ा है। हमने ना बेसिक ब्रह्मा को छोड़ा है और ना एडवांस देने वाले बाप को छोड़ा है। क्यों? क्योंकि हम ब्रह्मा की वाणियों को जितना जानते हैं मानते हैं और दूसरों को बताते हैं उतना उनको पता ही नहीं है। उन्होंने छोड़ा है ब्रह्मा की नॉलेज को। ब्रह्मा के मुख से जो नॉलेज निकली उन महावाक्यों को वो मानते हैं? नहीं मानते तो वो चंडाल हैं, हम चंडाल। उन्होंने छोड़ दिया। मैं तो सिर्फ कहने मात्र से हो जाएगा कि प्रूफ भी देना पड़ेगा? कोई भी बात कुछ कहता है तो प्रूफ चाहिए ना। बिना प्रूफ को कोई मान लेगा? कह देना, कहने से क्या होता है। किसी के कहने से हमारे ऊपर प्रभाव थोड़ी पड़ना चाहिए। उनके कहने मात्र से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ जाए तो हम उनकी प्रजा हो गए। हम तो प्रभावित होने वाले नहीं है। यहाँ प्रभावित हो जाएंगे तो वहां भी प्रभावित हो जाएंगे द्वापर युग से, और प्रभावित होकर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे।
जो यहाँ प्रभावित नहीं होंगे वो वहां भी प्रभावित नहीं होंगे, प्रजा नहीं बनेंगे। हम इस्लामी बौद्धियों क्रिश्चियंस की प्रजा क्यों बने? हम तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के पक्के, कन्वर्ट होने वाले बाप के कच्चे बच्चे थोड़े ही हैं, जो अपने बाप को छोड़ करके दूसरों की बात मानने लगे, पक्के बच्चे हुए, बाप के बच्चे हुए या औरों के बच्चे हुए। रुद्रमाला के मणकों को नहीं, रुद्रमाला के मणकों को भी और विजयमाला के मणकों को भी 9 जन्म मिलेंगे। त्रेता युग में उनको 12 जन्म मिलेंगे। हाँ, त्रेता युग में जो यहाँ सतयुग संगम में मिला करके 9 जन्म ले चुके, जिनके 9 जन्म हो गए, यानी जन्म देने वाले माँ बाप के 9 जन्म हो गए, उनका वहाँ 12 जन्म होगा त्रेता में। और जिनके यहाँ 9 जन्म नहीं होते, जन्म लेने वाले बच्चों की तरह जिनके 8 जन्म होते हैं सतयुग में, वो वहाँ 13 जन्म लेंगे। 13 जन्म मना, एक जन्म उनका बढ़ जाएगा त्रेता युग में, उनकी उनकी आयु वहां कम हो जाएगी। हम जो ज्यादा योग लगाएंगे उनकी लंबी आयु होगी ना। ज्यादा योगी की आयु लंबी होती है, कम योगी की आयु लंबी होती है? जो ज्यादा योगी होगा उसकी आयु, उसकी एज लंबी होगी। तो यहाँ जो जन्म देने वाले माँ बाप हैं उनकी आयु लंबी है होगी, तो उनके 9 जन्म हो जाते हैं यहाँ संगम युग में मिला के। त्रेता युग में 8 जन्म लेंगे और वहाँ उनके जन्म बढ़ जाते हैं, टाइम कम हो जाता है, जन्म बढ़ जाते हैं। 9 जन्म सतयुग और संगम में मिला के हमारे, और उनके 8 ही जन्म होंगे। जन्म लेने वाले जो बच्चे होंगे उनके 8 जन्म होंगे सतयुग में, और त्रेता में 13 जन्म हो जाएंगे, एक जन्म बढ़ जाएगा। नहीं, 12 नहीं, उनके 13 जन्म होंगे। वो जो पुरानी किताब है, जो प्रदर्शनी अंक ब्रह्मा कुमारियों का, उस प्रदर्शनी अंक में भी लिखा हुआ है त्रेता में 13 जन्म। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों के होंगे 13 जन्म, क्या जो कन्वर्ट होने वाले हैं? हमारे 13 जन्म नहीं होने वाले हैं। एक संगम युग जन्म हमारा यहाँ बढ़ रहा है। संगम युग कृष्ण, संगम युग में उसके साथ कंसी जरा सिंधु, अभी माता ने पूछा ना, जो संगम युग कृष्ण होगा उसके साथ कंसी जरा सिंधु शिशुपाल होंगे, ग्लानी करने वाले, गाली देने वाले, यह सतयुग में होंगे। सतयुग के कृष्ण के साथ कंसी जरा सिंधु होंगे नहीं होंगे? कहाँ होंगे? यहाँ हैं कि नहीं? अभी संगम युगी कृष्ण को गालियां देने वाले, ग्लानी करने वाले, कंसी जरा सिंधु शिशुपाल अभी ब्राह्मणों की दुनिया में मौजूद हैं या नहीं है? इधर कृष्ण बच्चा नहीं है, संगम युगी कृष्ण बच्चा है, संगम युगी कृष्ण है। हाँ, सतयुग में है, बच्चे के रूप में है, पैदा होगा स्थूल बच्चे के रूप में। यहाँ स्थूल बच्चे की बात थोड़ा ही है। हाँ, सतयुग में सतयुगी कृष्ण होगा और संगम युग में संगम युगी कृष्ण होगा। शास्त्रों में गायन संगम युगी कृष्ण का है या सतयुग में पैदा होने वाले कृष्ण बच्चे का है? शास्त्रों में कौन से कृष्ण का गायन है? संगम युगी कृष्ण का गायन है। तो संगम युगी कृष्ण अभी बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करके काम करेगा, कर रहा है, या स्थूल पेट से जन्म लेकर के काम करेगा?
है, बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करके कार्य करता है। सूक्ष्म बातें हैं। अयप्पा कैसे? अप्पा माने बाप है? और बाप जब डंडा लेके बच्चों को मारता है तो बच्चों के मुंह से निकलता आई आयो, हाँ निकलता है ना। तो धर्मराज बाप, वो हुआ अप्पा। और धर्मराज बाप से डंडे खाने वाले वो हो गए बाप के बच्चे। उनकी यादगार में ये संप्रदाय निकला है। अयप्पा काले कपड़े पहनने वाले, क्या धर्मराज जो है वो धर्मराज जो दिखाते हैं वो काले भैंसे पर सवार होता है। काला भैंसा माना तमो प्रधान, तामसी रूप धारण करता है। हाँ, शंकर और कृष्ण का बच्चा हरिहर बच्चा। हरि माना कृष्ण और हर माना से बाबा। और सरयू नदी, हाँ सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसी हुई है। क्या सरयू नदी के संगम युग में सरयू नदी कोई है? सर माना सर मुख, श्रेष्ठ जगह। और यू माने तुम, हाँ तुम श्रेष्ठ हो। और श्रेष्ठ नदी के किनारे अयोध्या नदी का वास है। अयोध्या माने जहाँ युद्ध नहीं होता है, धर्म स्थापना करने वाला इतना श्रेष्ठ हो कि कोई लड़ाई झगड़ा मारा मारी ना होने पाए, खून खराबा ना होने पाए, उसको कहेंगे अयोध्या। आ माने नहीं, युद्ध माने युद्ध, जहाँ कोई युद्ध नहीं होता। अभी शिव बाबा आया हुआ है जो ज्ञान दे रहा है, बेसिक वाले भी ज्ञान ले रहे हैं, एडवांस वाले भी ज्ञान ले रहे हैं, तो खून खराबा हो रहा है क्या? मारा मारी हो रहा है? स्थूल युद्ध हो रहा है कोई नहीं? इतने हिसाब से कार्य कराता है कि न सांप मरे न लाठी टूटे। लोग कहते हैं तुम्हारा भगवान भागा भागा क्यों फिरता है, तो उनको जवाब देना है तुम्हारे शंकर भगवान भस्मासुर के डर से सारी दुनिया में भागे भागे क्यों फिरे? क्या डरपोक थे? डरपोक नहीं थे, उन्होंने युक्ति निकाली कोई झगड़ा ना हो, खून खराबा ना हो। उनसे पूछे तुम्हारे कृष्ण भगवान, वो कृष्ण भगवान कंस के डर से गावड़े गावड़े में भागे भागे क्यों फिरे? कभी बरसाने में, कभी गोकुल में क्यों भागे भागे फिरे? तो उन्हें जवाब देना है कि भागे भागे नहीं फिरे कोई कंस के डर से, उन्होंने युक्ति निकाली कि कोई खून खराबा न हो। उनसे पूछो तुम्हारे राम भगवान रावण के डर से जंगल में क्यों रहे मारे मारे फिरे? वो डर से मारे मारे नहीं फिरे, ये युक्ति निकाली। और जितने भी धर्म संप्रदाय स्थापन हुए हैं मारा मारी हुई सब में। इस्लामी आए तो यहाँ के हिंदुओं ने उनको मार मार के भगा दिया, कितना खून खराबा हुआ होगा। मोहम्मद आए तो कितना खून खराबा हुआ, क्राइस्ट आए तो खून खराबा हुआ, जितने भी धर्म आए सब में खून खराबा हुआ। लेकिन बाप ऐसा आकर के धर्म स्थापन करते हैं, इस युक्ति से करते हैं, कोई खून खराबा नहीं हो पाता।
अभी भी एडवांस में बेसिक वालों में झगड़ा चल रहा है कि नहीं? हाँ झगड़ा चल रहा है ना, अरे कोर्ट कचहरी हो रही कि नहीं? हाँ कोर्ट कचहरी हो रही है ना, हमले हो रहे हैं ना, हैं? हाँ अनसंट बातें करते हैं तो क्रोध आ जाना चाहिए ना, मारामारी हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं। हाँ बाकी कितने दिन है, बहुत मुसीबत पड़ी हुई है और प्रसाद करते 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 थकान हो रही है। अभी अव्यक्तवाणी में माया के लिए बोला है कि माया थक चुकी है, क्या प्रसाद करने वाले बच्चे भी थक चुके हैं? क्यों पूछ रहे हैं कि अभी कितना और प्रसाद करना पड़ेगा? हाँ? नहीं, मेहनत तब लगती है जब मोहब्बत नहीं होती है। जब बाप से मोहब्बत पैदा हो जाती है तो बाप गोद में उठा करके पुरुषार्थ कराता है, कोई कठिनाई नहीं होगी। मोहब्बत पैदा करने के लिए बाप की पहचान होनी चाहिए, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, गीत गाने से नहीं हुआ, गीत नहीं लेकिन पहचानना है। और गंगा को भी क्यों पवित्रता करते हैं? यमुना को भी कहते हैं, यमुना नदी भी पति पावनी बताई जाती है। भारत में जो भी उत्तर भारत में नदियां हैं उनको पति पावनी कहते हैं, भारत की सभी नदियों में स्नान करते हैं। गंगा को विशेष है मान, तो गंगा ने इतनी सेवा की होगी, ईश्वरीय सेवा जितनी गंगा नदी ने की है उतनी और किसी नदी ने सेवा नहीं की होगी, और वो भी उत्तर भारत की आत्माओं जिनको किसी ने जगा ही नहीं पाया अभी तक। क्या यहाँ दक्षिण भारत की जग रहे हैं एडवांस में, उत्तर भारत वाली क्यों नहीं जगे अभी तक? क्योंकि गंगा नहीं निकली अभी, अंत में निकली है ज्ञान गंगाएं, तो अंत में वो गंगा निकलेगी तो उत्तर भारत के लोग भी तेजी से जग पड़ेंगे। बहुत प्यारा बच्चा होता है, बाप के आर्डर पर चलने वाला होता है, तो बाप प्यार में आके उस बच्चे को सर पे चढ़ाते हैं। तो ऐसे ही गंगा है, गंगा ने बहुत सेवा की है तो उसको सर के ऊपर धारण किया हुआ है। कितने ब्राह्मण हैं एडवांस में? जो ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मणों की संख्या गिनेंगे या उनमें श्रेष्ठ कितने हैं वो देखेंगे, क्योंकि एडवांस में तो बीज है, बीज सब धर्मों के बीज होने चाहिए या सिर्फ एक धर्म के बीज होने चाहिए? और सारी दुनिया के बीज है, सारी दुनिया का फाउंडेशन लग रहा है ना। अभी एक महीने में तो जो कुछ आना है जो आना है वो सब आ चुका है, एडवांस में जो जो आना है वो सब आ चुका है, कुछ पूर्व जन्म में आ चुके जो ब्राह्मण बनने थे वो कुछ पूर्व जन्म में आ चुके, कुछ इस जन्म में आ चुके, पूर्व जन्म वाले भी इस जन्म में अभी ब्राह्मण बनते जा रहे हैं। क्या जो पूर्व जन्म में बीके थे वो बीके सब यहाँ ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद बैठे हुए हैं? कोई यहाँ ब्राह्मण ऐसा है जो ब्रह्मा बाबा से पहले का हो, ब्रह्मा बाबा के सामने का हो ब्राह्मण? अरे इतने ब्राह्मण बैठे हुए हैं इनमें ब्रह्मा बाबा से ब्रह्मा बाबा के समय का कोई ब्राह्मण बैठा है? नहीं है ना, नहीं है ना, माना ये सब पूर्व जन्म में थे,
पूर्व जन्म में यज्ञ में थे और फिर दोबारा जन्म लेके अभी आए हैं, तो पूर्व जन्म के ब्राह्मणत्व का पुरुषार्थ अभी यहाँ ऐड हो गया, इसलिए एडवांस पार्टी हो गई। यहाँ माने जितने भी एडवांस में है वो सब सूर्यवंशी आए, आए नहीं सूर्यवंशी, लेकिन जितने भी आए हैं उनको सूर्यवंशी बनना पड़ेगा। नहीं समझ आया? धर्मराज के डंडे खा खा के बने या अपने पुरुषार्थ से बने? तो जो अपने पुरुषार्थ से बनते हैं वो तो है सिर्फ आठ, वो है पक्के सूर्यवंशी, और जो डंडे खा खा के बनते हैं वो फिर नंबर वार है। कोई कम डंडे खाएंगे, कोई ज्यादा डंडे खाएंगे, कोई में मोटा छिलका और कोई में बहुत पतला छिलका है, महीन छिलका है। माने जितने भी एडवांस में आए हैं अभी सूर्यवंशी नहीं है सब। पक्के सूर्यवंशी कहेंगे आठ हैं जो सजा नहीं खाते। क्या उन आठ के द्वारा ही नई दुनिया का फाउंडेशन लगता है? बाकी कुछ न कुछ कुछ न कुछ छिलका तो सब में चढ़ा हुआ है। ज्योतिष में और विज्ञान में हाँ कोई समानता है? अभी समानता न भी हो, आगे चल के जब ये ज्ञान को वो लोग स्वीकार कर लेंगे, विज्ञान के लोग भी और ज्योतिषी लोग भी, तो बहुत सारी समानताएं आ जाएंगी सामने। अभी विज्ञान के लोग क्या समझते हैं? विज्ञान के लोग समझते हैं जो दूसरे दूसरे ग्रह उपग्रह हैं उनमें भी जीवन है, वहां भी कोई रहते होंगे, जीव जंतु होंगे, जीवन होगा, समझते हैं ना? ज्योतिषी लोग भी समझते हैं, ज्योतिषी लोगों का भी कहना है चंद्रमा पर देवताएं रहते हैं। अभी सही ज्ञान दोनों को नहीं है। बाप बताते हैं कि सूर्य से एग्जैक्ट दूरी जहां है वहीं पर जीव जंतु है, पृथ्वी गोल है, गोल पृथ्वी के बीच में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में सूर्य की किरणें तिरछी हो गई हैं, दूर हो गया सूर्य। सूर्य जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल से दूर हो गया, किरणें तिरछी हो गई, तो वहां कोई जीव जंतु नहीं है। तो पृथ्वी पर ही जब इतना अंतर है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में कोई जीव जंतु नहीं है, तो और जो ग्रह उपग्रह हैं वो तो कितने नजदीक हैं और कोई कितने दूर हैं, तो वहां जीव जंतु होने का तो कोई सवाल ही नहीं। तो असली नॉलेज न ज्योतिष को है न असली नॉलेज वैज्ञानिकों को है, इसलिए वैज्ञानिक भी फेल होते जा रहे हैं। डार्विन थ्योरी वैज्ञानिकों ने निकाली कि मनुष्य पहले बंदर था, फिर आगे जो वैज्ञानिक आए उन्होंने डार्विन थ्योरी फेल कर दी। झूठी बात है, मनुष्य पहले बंदर नहीं था। ज्योतिषी लोग आज बातें बताते हैं उनमें आधी बातें असत्य निकल जाती है,
झूठे निकल जाते हैं। ज्योतिषों की बताई वही सारी बातें सत्य निकलती हैं क्या? ज्योतिष भी एक तरह का मैथमेटिक है। मैथमेटिक का जो जानने वाला है मैथमेटिशियन गणितज्ञ जितना होशियार होगा उतना सही बात बता देगा। ज्योतिष हो चाहे विज्ञान हो ये मनुष्यों का दिमाग है, भगवान का दिमाग नहीं है। ज्योति ज्योति में जो सोता है, ज्योति माने रोशनी, ज्योति समझते हैं हम ज्ञान की रोशनी में रहने वाले हैं। सारी दुनिया ज्ञानी है कुछ नहीं जानती, ज्योति समझते हैं हम ज्ञानी हैं। क्लास में आने से आज कोई रह गया क्या? सब आ गए? कोई ऐसा तो नहीं रह गया जो भक्ति करने के बाद बाबा से न मिला हो? भक्ति करने के बाद दो आते नहीं मिले, नहीं आते ही नहीं है। सुरेश कहाँ का रहने वाला था? कन्नूर। अच्छा अच्छा, कन्नूर चला गया। अच्छा अच्छा, अभी अन्नावरम में अरुणाकुलम। हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, एडवांस का क्लास नहीं है। अरुणाकुलम भी केरला में है, कोचीन के पास। नेपाल, केरला और कश्मीर ये रह गया था, अब ये तीनों निकल चुके। ताली ब्रह्मा के आने से केरला वाले भी आ गए, उधर नेपाल में नेपाली भी बहुत निकल चुके अभी, और उधर जम्मू में जम्मू कश्मीर में वहाँ भी एक एडवांस पार्टी का मिनी गठबंधन खुल गया, तो ये सब लास्ट में अभी निकले हैं। केरला में संगठन क्यों नहीं परिवर्तन होगा? लास्ट में आने वाला फास्ट नहीं आ सकता है? 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 ये सर हाँ अच्छा अच्छा दो सेंटर है, हाँ मकान को नहीं देखा जाता है और संख्या को भी नहीं देखा जाता है। संख्या भले ज्यादा हो
हम आने वाले हैं और धन से करते हैं तो अगर पाते हैं अगर मैं जाना मैं बोलना कि हम आने वाले हम देखने को तो उन्होंने डरता है डरता है देखना भी नहीं बोलना भी नहीं हाँ इनको देखना भी नहीं है बोलना भी नहीं है क्योंकि आत्मा आत्मा भाई भाई हो गया गीत गाते रहो हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा आपस में भाई भाई कोई वाचा से नहीं सुनता है तो घृण करता है कि नहीं सुना है बल्कि अपनी एक्ट से अपने व्यवहार से अपने प्यार से अपने दृष्टि के स्नेह से उनको अपने वाइब्रेशन से उनको ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है बाबा की याद में कर दे बाबा इज फीलिंग फॉर दोस हु गेट अपसेट ऑन लिसनिंग टू द नॉलेज डोंट गिव देम नॉलेज but give them knowledge in the remembrance of the father by your knowledge jane zarurat hi nahi bhai vacha se sunane ki zarurat nahi unko drishti se sneh do vacha ka pyar do give them love through the seva karo give them love through the drishti give them love through the words give them love through your actions You can serve them, bodily, you can help them, and through their, your actions, give them more affection. You know, with the world outside, I can handle that. But when it's your own loving mother, that's very, you know, it's very hard to deal with. But the one thing you don't want to do is to hurt your mama or your papa, you know. But Baba, what Baba said was, don't give them knowledge directly. Mm-hmm. But through your actions mm-hmm. and through your drashti and through your vibrations, mm-hmm. give them good vibrations and your affection mm-hmm. through your son. Mm-hmm. And you have to do that, not directly you don't give them any knowledge. Not by voice, not by speech. I was saying that for the people of the world, there is no problem दे देते हैं लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि अपने लौकिक माता जी जो नहीं चाहती है वो क्या नहीं चाहती मतलब वो ये सब ज्ञान की बात है तो बाबा सेलिंग यू आर राइट बाबा सेलिंग यू डोंट गिव हर द नॉलेज यू एक्सेप्ट व्हाट एवर शी से यू टेल यू आर राइट वो से कह रहे हैं क्या व्हाट इज रॉन्ग इन दैट फ्रॉम द मॉडल उनकी बातें कान से सुन लेने का एक कान से सुन लेने का कान से सुन लेने का लेजन इस्लाम वाली या रंजित को समझा दर बाबा यू सेड दैट एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन 14 सोल्स मे एंटर इन अ सी सोल एंड व्हाट विल वी हैव टू डू टू मेक दोस सोल्स गो आउट ऑफ पक्के सूर्यवंशी बीज होंगे उनमें दूसरी सोल दूसरे ढंग की सोल प्रवेश नहीं करेंगे सिवाय चंद्रवंशी बाबा स्टेलिंग इट इज नॉट दैट दे विल एंटर दे मे एंटर अप टू 14 सोल्स मे एंटर But Baba is telling those who are the souls of the Suryavanshi, that is the Sun Dynasty, who are perfect Suryavanshi souls. Other than the souls of the Chandravanshi, that is the Moon Dynasty, no other souls can enter there. In the souls of the Suryavanshi.
परफेक्ट है अदर देन संत चंद्रवंशी में कमजोर तो माँ माँ जैसी आत्मा माँ की वो जो चाहेंगे विथ विथ रिगार्ड्स टू द सोल्स ऑफ द चंद्रवंशी दैट इज द मून डायनेस्टी ही इज टेलिंग वेल द सोल्स ऑफ द इस्लाम कैन कम because they are the mother. Mother. And all kinds of children can fit in the lap of the mother. they will not fit in the lap of the father. In the lap of the father. Bapki Gautam Bola. Sab nahi baithenge. In the lap of the father, not all the souls will fit. आपको देख रहे हो सर पर क्या हो रहा है सर पर चढ़ के बैठते बहुत बेटे दूर रही बात विथ रिगार्ड्स टू द एट डाइटीज बाबा इज टेलिंग इट इज नॉट ओनली दैट दे इट इज नॉट अ मैटर ऑफ देम सिटिंग ऑन द लैप दे विल इवन सिट ऑन द हेड बाबा इज अडोर्ड देम ऑन द हेड कृष्ण इसीलिए आपको सुना रहे हैं ताकि आप हमें समझा सके शिव मीन्स ज्योति बिंदु बिंदु एक्स्ट्रा आइडियल ज्योति बिंदु एंड बाबा मीन्स साकारवादी लेकिन वो एक्स्ट्रा ज्योतिबिंदु कौन से साकारवादी में आता है ये पहचानने की बात मुश्किल है दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्योतिबिंदु इन विच कॉर्पोरियल बॉडी ही एंटर्स टू रिकॉग्नाइज दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट हम चाहते हैं पहचानना चाहते हैं पहचान लेते हैं माया हमारी बुद्धि को भगा देती है We like to recognize and we want to recognize, but Maya molds our intellect in another way. Maya means in form of man or woman. In Maya in form of man or woman will do this act. All right, I want to thank you to Babu. धन्यवाद माय डेज हियर वर वेल स्पेंट आई हैड अ गुड टीचर दैट गिव्स द अ गुड इंस्ट्रूमेंट दैट यू हैव सेंट दैट हैज गिवन अस द कोर्स एंड द चिल्ड्रन वर वेरी वेरी लविंग एंड वार्म एंड सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट आई वांट टू से थैंक यू बट कैन आई से आस्क अनदर फेवर कैन वी हैव सम हीट The building is extremely cool. Can we have some fire sign? बोल रहे हैं धन्यवाद इन्हीं बातों के लिए देना चाहते हैं कि एक तो जिन जिन जिनको भी निमित्त टीचर के रूप में भेजा वो बहुत बढ़िया ज्ञान दिया समझाया और जो भी वहाँ के लोग थे बच्चे थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हमें ये बोल रहे हैं कि वहाँ बिल्डिंग बहुत ही ठंडा था हम तो ये चाहते हैं वहाँ थोड़ा सा आग वगैरह हो कि गर्म रहे ठंडा नहीं हुआ बाबा इज सीलिंग बट योर पुरुषार्थ डिड नॉट बिकम कोल्ड No, but it has saved my interest now and again because I'm so. But no, it wasn't. I'm accustomed to cold. Mm. I live in a very cold country. But when I get into the home, there is heat. बोल रहे थे हमें तो आदत है ठंडी प्रदेश में रहने के लिए हम तो एक ठंडी देश से ही आए थे लेकिन हम जब घर के अंदर पहुंच जाते हैं वहाँ तो गर्मी रहती है डबल बढ़ाई जाती है बीच में गर्म पानी बहाया जाता है वहाँ तो क्यों नहीं सकता बराबर रहेगा यू विल हैव डबल साइडेड वॉल्स यू विल हैव हॉट वाटर
So it will be war. Baba, can you tell me the meaning of my name? Tell me the meaning of my name, Suzanne. Inka jo naam hai, Suzanne. Suzanne, uska aap bata sakte hai. So mane acha, good. Gyan mane gyan. Gyan mane sundar gyan. Wala. करके इनका नाम है इसका मतलब ये हुआ मार You give the slap of knowledge in such a way that you will everybody say wah, everyone will say wah, wah. Praise. Everyone will praise. जिसके अंदर खाती हो बात जिसके अंदर बार बार याद आती हो इंग्लिश में All those things which repeatedly prick you time and again that you write and send it in English. Okay. It's not that every day I have to write what I did if I have bad thoughts or bad things. रोजाना लिखते रहो अलग लेकिन खास बातें जो ज्यादा याद आती हैं ज्यादा दिल को पिंच करती हैं परेशान करती है हमने ऐसा क्यों किया वो बातें लिख करके He's saying all those important things which prick you, which hurt you, and which come into the remembrance every now and then. Those things. Yeah. You're right. Right. That is Chintana. Okay. And the chart. पंजाब का चार्ट रोज लिखेंगे रिक्वायरमेंट होता रहेगा रोज लिखेंगे देखेंगे महीने में एक बार उसको देखेंगे कितना टोटल हुआ इट इज द चार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस इफ यू राइट इट डेली एंड इफ यू लुक इट वंस अ मंथ देयर विल बी एन अलर्टनेस ओके वी डोंट हैव टू सेंड इट टू बाबा तो बाबा को भेजने का जरूरी नहीं है क्या चार्ट It's for your own reference. Okay. तो आपकी अवस्था के बाबा खुद ही पता चलता रहता है बाबा विल गेट टू नो अबाउट इट बाय योर स्टेज आपके रजिस्टर से पता चलेगा आपकी अटेंडेंस से पता चलेगा बाय द रजिस्टर बाय द अटेंडेंस आपका सर्विस का जो रिजल्ट आएगा फरुखाबाद में बाबा सेज बाबा विल गेट टू नो योर स्टेज बाय द रिजल्ट ऑफ द सर्विस विच विल कम टू फरुखाबाद आई फॉरगॉट अ क्वेश्चन द सिस्टर टोल्ड अस इन द कोर्स दैट व्हेन लक्ष्मी विल गिव बर्थ टू द राधा कृष्ण she will not be with Narayana will not be beside her. So, of course, में ऐसी ये एक बात आए कि लक्ष्मी जब कृष्ण जब युगलीय बच्चों को जन्म देगी
तो नारायण के साथ नहीं रहेगी। उस समय क्यों नहीं रहेगी साथ में? Ravi is asking, why will she not be there at that time? Why will he not be there with her at that time? At that time. This question he is asking, why shouldn't he not be there with her? With her. बाबा जी इनको किसी ने बताया ऐसा कि नारायण बाहर की दुनिया में रहेगा? जन्म देते समय नहीं, बीजा रोपण करते समय साथ में नहीं होंगे, वाइब्रेशन की औलाद होगी। सो दोस चिल्ड्रन विल बी ऑफस्प्रिंग ड्यू टू वाइब्रेशन, ही विल नॉट बी टुगेदर ड्यूरिंग द सीडिंग प्रोसीजर। सीडिंग प्रोसीजर ओके, बट नॉट ही विल बी टुगेदर व्हेन द offspring will take because the seeding will be through the vibration. Yes, I know. She did say that. Okay. She did say that. Okay. So, what is the physical thing? It's a mental thing. What did Baba say? Baba is telling in English. In English, you watch the serial of Mahabharata. No, I don't have it. I am. Sister says she's going to give me कहीं भी सेंटर में नहीं है क्या? आपने भेजा नहीं पागल को? ये तो रहते हैं अमेरिका में, ये तो अमेरिका में रहते हैं। वहाँ भी मिल जाता है? अमेरिका में मिल जाता है? नहीं मिलता है, पाल भाई से मंगा ले, पाल भाई मना थोड़ी करेगा। बाबा इज सेलिंग, आई सेड बाबा दैट इट इज अवेलेबल इन द आउटसाइड मार्केट आल्सो, इवन इन अमेरिका lot of ethnic Indians are there. So if it is not available there, so you get it from Paul Vai. From London. We can in Quebec. Do you know Paul? सुजन माता ना मारवा माता को बता रहे, हम भेजेंगे आपको महाभारत। कहाँ से? उनको मिलेगा मार्केट में महाभारत उनके पास है, इंग्लिश में वो सब टाइटल्स इंग्लिश में नहीं आते, सिर्फ सब टाइटल्स हैं जिसे देखते जाओ समझते जाओ। Even that is more than sufficient, Baba is saying. What? The subtitle thing, to understand the essence of Mahabharata, that is also more than sufficient. Okay. Mm-hmm. You know what, Bhagavad? Gehrai samjhenge. Baba is telling, if you watch Mahabharata, then you will understand the knowledge more deeply. Yeah. That also is. Okay. But I understood that they were not together when the children took birth, and they will be together. वो उनको समझ में नहीं आया पहले कि नारायण और लक्ष्मी साथ में रहेंगे जब वो जन्म होगा। पहले वो समझते थे कि जब जन्म होगा नारायण दूर रहेगा और लक्ष्मी दूर रहेंगे, पर अभी समझ में जन्म होने से पहले नहीं, जन्म की बात वो बता रहे थे। जन्म देंगे उस समय तो दुनिया में विनाश हो जाएगा, बर्फ में दब जाएंगे सब, कोई थोड़े समय के लिए कोई ज्यादा समय के लिए, और बस फिर इकट्ठे हो जाएंगे। Baba says that during the time of birth, this world will there will be destruction of this world, and all will be submerged under ice. Yeah. Some of the souls will be submerged for a longer time, mm-hmm. and some for a very short time. Mm-hmm. Baba is telling, you got the email with you, no? Anytime you can write. Yes. Baba, can I get this presentation? Yeah.